चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो मेथड कवर किया था वो था एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। और आज आपका टॉपिक रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसे कुछ दो इक्वेशन होती है, ए वन एक्स डी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। लास्ट क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था और उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो दोनों मेथड बहुत इजी थे और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये उनसे भी इजी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो x, y और ये कोफिशिएंट्स होता है इनको लिख लेते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन और सी टू, सी वन और सी टू। और ए वन ए टू को दोबारा से लिख लेते हैं, ए वन और ए टू को दोबारा से लिख लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की। आइए लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे x अपॉन y अपॉन और यहाँ पर वन अपॉन और बीच में इज इक्वल्स टू का साइन लगा लेते हैं। अच्छा, ये कोफिशिएंट किसके हैं, ये x के कोफिशिएंट हैं और ये किसके कोफिशिएंट है, ये y के, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है बेटा, तो जब हमें x अपॉन लिखना होता है तो x के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं, x के कोफिशिएंट नहीं लेते। जब हमें ये वाली टर्म फिल करनी होगी x अपॉन, तो इनको नहीं लेंगे। नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इसको b1 c2 माइनस c1 b2, c1 b2। फिर जब y अपॉन लिखना होगा y अपॉन, तो y वाले जो कोफिशिएंट है, जो y वाले कोफिशिएंट है उनको छिपा लीजिएगा, उनको छिपा लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास दो टर्म चाहिए, तो इधर ही दो बचे हैं ना, तो इस बार क्या लेंगे, सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू, ए वन सी टू। फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी थी, ये थी बेटा कॉन्स्टेंट टर्म ये, तो इसको मैंने छिपा लिया। अब दो टर्म किधर बची हुई है, इधर दो टर्म किधर बची हुई है, तो कॉन्स्टेंट के नीचे क्या आएगा, ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस बी वन बी वन ए। ये बात समझ में आती है, एक्स अपॉन लिखना है तो एक्स के कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, बाकी दोनों करेंगे। वाई अपॉन लिखना है तो वाई के कोफिशिएंट नहीं यूज करेंगे, ये दोनों करेंगे। और जब कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट वाले नहीं यूज करेंगे, इधर दो बचे हैं इनको हम यूज कर लेंगे, इनको हम यूज कर लेंगे। यहां तक आने के बाद आपके पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक बार तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, बी वन सी टू सी वन बी टू यहां पर आ जाएगा, यही एक्स की वैल्यू होगी। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सेकंड और थर्ड ये टर्म यूज करेंगे, तो क्या आएगा, c1 a2 minus a1 c2 upon this, denominator सेम रहेगा, तो you will get the value of y। इस तरह से जो हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं इनको बोलते हैं सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए किसी एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ठीक है, जब करेंगे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम में साथ साथ हम करते जा रहे हैं। कि किसी वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा होता है कि आपको इक्वेशन भी खुद बनानी होती है। ठीक, यदि इक्वेशन गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो हम बना लेंगे। यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको इक्वेशन गिवन है वन और टू, और यहाँ पर कोई के पी इस तरह से कोई कॉन्स्टेंट आपके पास होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किस लिए, कुछ कंडीशन गिवन होगी कि बताइए पी की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर है एल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इस तरह से के और उनकी वैल्यू
तो वो जो conditions थी आपको पता है कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 c1 upon c2। यदि ऐसा है तो ये कैसी लाइन थी? कंसिडर्ड, मतलब इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। और यदि ये नॉट इज इक्वल्स टू आ जाता तो ये कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। और यदि यहाँ पर ऐसे होता तो इनका सॉल्यूशन यूनिक लाइन। ये कैसी होती थी? ये कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पहले टॉपिक में हमने बता दिया। तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इक्वेशन है kx plus 3y plus k minus 3 is equals to 0, kx plus 3y minus minus k minus 3 is equals to 0, और 12x plus ky minus k is equals to 0। ये दो इक्वेशन है, kx plus 3y minus k minus 3 is equals to 0 and 12x plus ky minus k is equals to 0। और यहाँ पर पूछ रहे हैं for what value of k equation have infinite many solution। कैसे solution होने चाहिए? Infinite की बात कर रहे हैं, infinite solution होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इनको जब आप लिखना नहीं होगा कि हमें on comparing में समझते हैं, जो standard form होती है वो पहली वाली equation a1x b1y c1 is equals to 0। तो direct लिखिएगा here a1 upon a2 is equals to, a1 कौन होगा? k होगा, और a2 के place पे 12, and b1 upon b2, ये तो मैं जब starting कर रहा था ज़्यादा detail बतानी थी, तो exam में आप सीधे start करेंगे। b1 upon b2, b1 के place पे 3 हुआ, और b2 के place पे कौन है? k, b2 के place पे k, और c1 upon c2, c1 के प्लेस पे माइनस के माइनस 3, और यहाँ पर माइनस के, तो माइनस दोनों जगह से हटा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, इन रेशियोज को हमने फाइंड आउट कर लिया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे सीन्स इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात उन्होंने बताई है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? ऐसा तो प्रैक्टिस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसा तभी तो होता है, सभी तो होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि कंडीशन गिवन है कि सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, केवल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस ऐसा तो है गिवन हो गया है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर तीन टर्म है। ठीक है बेटा, तीन टर्म मान लीजिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये थर्ड। तो एक बार तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, कैसे? Now k upon 12 is equals to 3 upon k implies k square is equals to 36 implies k is equals to plus minus 6। ठीक है, and दूसरा कौन सा ले सकते हैं? कोई भी दो ले लीजिएगा, 3 upon k और is equals to k minus 3 upon k implies 3k is equals to k square minus 3k। सभी को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? k square। ऐसे मत करना आप कि k की वैल्यू कॉमन ले ले, k minus 3 और 3k, एक k काट दे। हाँ, कट सकता है, ऐसे कट सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कैसे करेंगे? सभी को एक तरफ ले जाइएगा, तो k square minus 6k is equals to 0 implies k common ले, k minus 6 is equals to 0 implies k is equals to 0 और 6, k is equals to 0 और 6। यहां से k की दो वैल्यू आ रही है, प्लस 6
और माइनस सिक्स और नीचे से k इक्वल्स टू जीरो और k इक्वल्स टू सिक्स। इन तीन वैल्यूज में से प्लस सिक्स माइनस सिक्स और जीरो में से एक वैल्यू सिक्स ऐसी है जो इस रिलेशन को भी और इस रिलेशन को भी, कौन सी देखो सिक्स यहाँ से भी आ रहा है प्लस सिक्स और यहाँ से भी आ रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे के इज इक्वल्स टू सिक्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट में इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, बड़े प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। आइए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या वर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल वही पुराना काम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। फ्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली x अपॉन y होगा, ऑब्वियसली x अपॉन y होगा। लिख दीजिएगा लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y, तो फ्रैक्शन कैसा होगा बेटा, तो फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है, फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है यदि हम न्यूमरेटर से माइनस वन कर दें और डिनोमिनेटर को बिल्कुल ना छेड़ें तो ये वन अपॉन थ्री होगा, तो ये वन अपॉन थ्री बन जाता। चलो साथ साथ इक्वेशन बना लेते हैं, थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई इम्प्लाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री, इक्वेशन ठीक है बेटा, थ्री एक्स वाई माइनस हो गया और ये इधर जाके प्लस हो गया। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड कंडीशन में यदि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे तो ये 1 अपॉन 4 बन जाता है, तो ये 1 अपॉन 4 बन जाता है, मतलब 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8 इंप्लाइड 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। मेथड कौन सा यूज करना है यहाँ पर, हमें सॉल्व कर लेते हैं इसको, पूरा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करने के लिए हमको इजिकल्स को जीरो की फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो इसको बेटा ऐसे लिखे ना इजिकल्स को जीरो और ये भी माइनस एट इजिकल्स टू जीरो। फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कोफिशियंट से लिखेंगे। अब सोल्व कैसे करते हैं, एक्स अपॉन वाई अपॉन और वन अपॉन, एक्स अपॉन वाई अपॉन एंड वन अपॉन। एक्स के कोफिशियंट कौन से थे, x के कोफिशिएंट यही तो थे, x के कोफिशिएंट ये, तो इनको छिपा लीजिएगा, इनको नहीं लिखना है, ये किसके थे, x के, ध्यान से रखेंगे ये x के कोफिशिएंट थे और ये y के थे और ये कांस्टेंट टर्म थी और इन्हीं को दोबारा से रिपीट कर लिया था, इन्हीं को दोबारा से रिपीट कर लिया था। तो जब x के अपॉन लिखना होता है तो हम कहां से क्रॉस करते हैं, ऐसे, देखो माइनस का इंपैक्ट खत्म हो जाना चाहिए, यहीं पे कर लो चाहे यहीं पे कर लो ये आ हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आया बेटा, प्लस 8, फिर माइनस साइन लगाएंगे और ये 3 + 3 प्लस का 3। y अपॉन तो y के कोफिशिएंट नहीं यूज करेंगे, कौन से करेंगे, ये माइनस 3 और माइनस 4 कितने हो जाएंगे, माइनस 12, फिर से एक माइनस साइन, फिर से माइनस साइन, 8 × 3 = 24 माइनस 24। और जब वन अपॉन लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो यूज नहीं करेंगे, कांस्टेंट टर्म यूज नहीं करेंगे, कौन सी करेंगे, ये माइनस 3, फिर एक माइनस, 4 × 4 वो भी कैसा, माइनस का 4। तो बेटा इसको प्लस 24 लिख ले, प्लस 24 और इसको प्लस 4 कर ले, ठीक है। अब x की वैल्यू कहां से आएगी, इन दोनों रिलेशन को ले लीजिएगा, इन दोनों रिलेशन को ले लीजिएगा, x इक्वल्स टू ये कितना है 5 ना, और यहां पर कितना 1 इक्वल्स टू 5। और y की वैल्यू लेने के लिए y इक्वल्स टू, तो यहां पे प्लस 12 बचा है कि नहीं, यहां पे क्या बचा है, प्लस 12 और नीचे 1, that is 12। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फ्रैक्शन बताना है, तो x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा और y की वैल्यू 12 पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू 12 पुट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। वैसे मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें
कभी कभी लास्ट में सॉल्यूशन में जाने के बाद हमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, वहां पर हम रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को फेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तरीका तो ये होता है कि हमें एक मिनट लगेगा स्टार्टिंग में जो इनके कोफिशियंट्स हैं, उनको कंपेयर करके, जैसे वो मैंने बताई थी ना कंडीशन a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, इस तरह से चेक कर लेंगे कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। वो स्टार्टिंग में एक मिनट लगेगी, वो चेक कर ले तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा आंसर ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अदरवाइज डायरेक्ट आप ऐसे कोफिशिएंट उतार लो, देख लेंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इससे पहले आप एक स्टेप पे वो चेक कर सकते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, आइए एक वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी की ओर। स्टार्ट कैसे करते हैं? जो भी चीज फाइंड आउट करनी हो उसको मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड डाइट या फूड चार्ज डाइट चार्ज y रुपीज पर डे या पर डाइट। ठीक है, यहां पर वो बोल रहे हैं कि एक कोई लड़का है, एक कोई स्टूडेंट है, उसने 20 डेज हॉस्टल में खाना खाया, मेस में खाना खाया, कितने दिन? 20 डेज, और उसको पेमेंट कितना देना पड़ा? 1000 रुपीज उसको पे करने पड़े। तो इस 1000 रुपीज में 20 डेज का फूड चार्ज प्लस फिक्स चार्ज होगा, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भाई x कितने दिन खाना खाया था उसने? 20 डेज, 20y = 1000, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड किया कोई दूसरा स्टूडेंट था, वही दूसरा स्टूडेंट था, और उसने कितने दिन खाना खाया? 26 डेज, तो भाई ये तो फूड चार्ज हुआ और फिक्स चार्ज x, इसको पे करना पड़ा 1180 रुपीज। तो इक्वेशन तो बनी बनाई है, कौन सा मेथड यूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। माइनस लगा के जीरो की फॉर्म बना लीजिएगा, जीरो की फॉर्म, कोफिशिएंट लिख लीजिएगा, इसके तो 1 और 1, यहां पर 20 और 26 काटना चाहो काट लो, यहां पे नहीं काटना चाहे तो बाद में हो जाएंगे, और माइनस 1000 1180, और 1 और 1 को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, 1 और 1 को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये किसके कोफिशिएंट है पहले वाले? x के। ये किसके कोफिशिएंट? x के। ये y के, और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको? x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से, कुछ जगह ये टर्म लिखी नहीं हुई है, यहीं से क्या हुआ है, इसी टर्म को रिपीट किया हुआ है। तो एक बार किसी एक मेथड को दिमाग में बैठा लो, पैटर्न को, कि मुझे इस पैटर्न से करना है, तो फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, तो हमने तो तीनों के साथ साथ उतार लिया और पहले वाले को रिपीट किया। प्रोसीजर देख लीजिएगा, जब एक्स अपॉन करते हैं तो एक्स वाले कोफिशियंट यूज नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक्स अपॉन लिखना है तो एक्स कोफिशियंट यूज नहीं करेंगे, कौन से करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 20 × −1180, फिर एक माइनस है, और 26 × −1000 = y / y / फिर y के कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, कौन से करेंगे? इन वालों को करेंगे, −1000, फिर से एक माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो −1180 −1180, इसको प्लस कर दूंगे बेटा, इस साइन को प्लस कर देता हूं, +1180 + 1180। ठीक है, सेम यहां भी प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे, तो कितना हो जाएगा? 26000 वो भी प्लस कर। ठीक, और 1 अपॉन में क्या आएगा? 1 अपॉन, फिर कांस्टेंट जो टर्म थी उसको छिपा लीजिएगा, कौन सी बचेगी ये? तो 1 × 26 −20 × 1 = 20 × 1, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिएगा,
इनको देखते हैं क्या होगा, इनको देखते हैं 1180 into 20, 1180 किनारे कैलकुलेशन कर लेंगे 1180 into 20 तो 2 0 2 8 16 2 8 16 1 2 1 2 2 2 3 6 00, तो ये कितना आया -2 3 6 00, और ये इनकी तो कैलकुलेशन हो रखी है, तो ये कितना बचेगा बेटा x अपॉन 26,000 से 26,000 से 23 और 600 माइनस कर दीजिएगा, 600 माइनस कर दीजिएगा 0 0, यहाँ पर आएंगे 10 10 में से 6 जाएंगे 4 और 5 5 में से 3 जाएंगे तो 2 2 4 0 0 2 4 0 0 इजिकल्स टू y अपॉन यहाँ पर कितना रहेगा 180 पॉजिटिव और 1 अपॉन 6 1 अपॉन 6, जब इन दोनों को लेके x की वैल्यू 2 4 0 0 अपॉन 6 तो 6 4 जा 400 वैल्यू आई, और y की वैल्यू कितनी होगी 180 अपॉन 6 तो 30, तो 400 क्या है फिक्स चार्ज कितना है 400, और फूड चार्ज कितना है फूड चार्ज पर डे इक्वल्स टू 30 रुपीस, ये आपका आंसर होगा, तो आपने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कोई भी किसी भी मेथड से हो सकता है। आइए एक और सिचुएशन है, आप केवल इक्वेशन बनवा दो सोल्व करना तो सबका बिल्कुल एक जैसा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने देख लिया, दो क्वेश्चन लास्ट के हमको पूरा कराऊंगा। यहां पर क्या क्वेश्चन है, एक कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स उनका एग्जाम है और एग्जाम में कंडीशन है, नेगेटिव मार्किंग भी है कि भाई यदि कोई एक राइट आंसर है तो उस पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे पॉजिटिव, और यदि रॉन्ग आंसर दिया तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 नंबर उसका, माइनस मार्किंग है, और इस कंडीशन में उसके मार्क्स 40 आते हैं, टोटल मार्क्स कितने आते हैं 40 मार्क्स। वो कह रहे हैं इसी एग्जाम का यदि हम पैटर्न बदल दें और क्या बोले राइट के लिए 4 मार्क्स दे दें और रॉन्ग के लिए -2 मार्क्स, तो किसी कंडीशन में उसके मार्क्स 50 आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मान लीजिएगा राइट आंसर्ड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू एक्स एंड रॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वाई, कि भाई एक्स क्वेश्चन ऐसे थे जिनका उसने करेक्ट आंसर दिया और y क्वेश्चन ऐसे थे जिनका उसने आंसर गलत दिया, रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x क्वेश्चन थे, a क्वेश्चन के 3 मार्क्स तो x क्वेश्चन के कितने होंगे 3x, कितने मार्क्स उसे मिल गए, और y क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे हर एक क्वेश्चन पे -1 मार्किंग मिली, तो इस तरह से कितने उसके रॉन्ग थे y, इसलिए -y, तब जाके ये 40 मार्क्स हुए इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली यहाँ पे बताना ही पड़ेगा 4x - 2y = 50, इसमें 2 कॉमन लेके साथ साथ काट दीजिएगा तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी आसान हो जाएगी, इंप्लाइज 2x - y = 25, इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं बेटा, इसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं, इसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं, फिर कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट 3 और 2, y का कोफिशिएंट तो -1 -1, और यहां पर -40 -25, और इसको रिपीट कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट कौन है, ये है भाई x के कोफिशिएंट, ये y के और ये कॉन्स्टेंट टर्म के, ठीक है, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन, जब x अपॉन
तो x वाले कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्टली इक्वेटर 25 होगी, फिर बीच का एक सिंबल माइनस का, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा प्लस 40। y अपॉन, तो y वाले यूज मत कीजिएगा, माइनस 80, फिर माइनस और 25 थ्री जा 75, माइनस 75 होगा ना, तो इन दोनों माइनस साइन को मिला के मैं प्लस 75 लिख दे रहा हूँ। और वन अपॉन, तो कौन से टर्म छोड़ेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, अब दो टर्म इधर तो बची नहीं, किधर यूज करेंगे, ये 3 माइनस 3, फिर बीच में एक साइन माइनस का, 2 तो माइनस 2 होगा ना, तो माइनस 2 का बना लीजिएगा प्लस 2, माइनस 2 का बना लीजिएगा प्लस 2, इम्प्लाइड x अपॉन ये कितना रहेगा भाई, माइनस 15 इजिकल्स टू y अपॉन माइनस 5 इजिकल्स टू 1 अपॉन माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, बिल्कुल वही, दोनों को कांस्टेंट टर्म के साथ लेना है, x अपॉन माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू तो 15 आ जाएगी, और यहां से वैल्यू फाइंड आउट करें तो y अपॉन माइनस 5 1 अपॉन माइनस 1, देन y इज इक्वल्स टू 5। तो उसमें x और y की कुछ इक्वेशन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 15 प्लस 5 दैट इज 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। तो बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर क्यूबिक। अच्छा रेक्टेंगल बना लेता हूं, ये रेक्टेंगल है तो भाई यहां पर एल होगी, यहां पर ब्रेथ होगी, लेंथ, लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी हो यूनिट वही मान लीजिएगा, और ब्रेथ कितनी है बेटा वाई मीटर ब्रेथ। तो एरिया तो आपको पता चल जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो भी यूनिट हो यूज कर लेंगे, तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कब हो जाता है, कब कम हो जाता है, कंडीशन बताइए, एल इज रिड्यूस्ड बाय 5, एल इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो अभी एल कितनी थी एक्स, तो अब कितनी हो गई x माइनस 5, x माइनस 5, एंड b इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, b इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ये b कितनी हो गई y प्लस 3। नई कंडीशन, अभी तो ये ओरिजिनल थी कि यदि उसकी लेंथ x है और ब्रेथ y है तो एरिया x इनटू y स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। नई कंडीशन में क्या बोल रहा है कि भाई लेंथ तो मैंने उसकी कम कर दी, x माइनस 5 यूनिट कर दी, और ब्रेथ y प्लस 3, तो अब एरिया पहले से कम हो गया, अब एरिया पहले से कम हो गया, चलो कम वम की बात बाद में करेंगे, इसका नाम a रख दिया। अब a1 की कंडीशन, न्यू एरिया, लेंथ कितनी x माइनस 5, ब्रेथ कितनी y प्लस 3, तो नया एरिया यही तो होगा, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया विल बी x माइनस 5, लिख दीजिएगा, चलो पूरा करो, न्यू लेंथ x माइनस 5, न्यू ब्रेथ y प्लस 3, न्यू एरिया a1, तो x माइनस 5 और y प्लस 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये न्यू एरिया हो गया, दो कंडीशन होगी। चलो तीसरी की बात करते हैं, अभी इसको कोई मार्किंग नहीं करते, अभी देखना कैसे हम इसको, कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इफ लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हमने कर दी, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो लेंथ कितनी हो गई
x plus 3 और breadth कितनी हो गई y plus 2। इस बार दोनों ही इंक्रीज कर दी 3 यूनिट एंड breadth by 2 यूनिट। तो अभी मुझे नहीं पता कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, मैं तो जान ले रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा। लेट इट बी ए टू, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एंड वाई प्लस टू, वाई प्लस टू एक्स वाई टू एक्स थ्री वाई प्लस सिक्स प्लस सिक्स। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन अब आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, अभी इसमें सोल्यूशन नहीं है। कोई रेक्टेंगल था उसकी लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई थी, तो एरिया विल बी एक्स इंटू वाई। यदि मैंने एक्स की लेंथ को, सॉरी जो लेंथ है उसको डिक्रीज किया कितना 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट, तो न्यू एरिया विल बी ये होगा दोनों की मल्टीप्लाई, यानी फाइनली ये होगा एक्स वाई 3x 5y एंड 15। एक और कंडीशन उन्होंने बताया कि यदि हम एक उसको लेंथ को इतना बढ़ा दें और ब्रेथ को भी इतना ब्रेथ को भी इतना इंक्रीज कर दे तो एरिया क्या होगा, मैं दोनों की मल्टीप्लाई होगी। एरिया मैं तो जानता हूँ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये एरिया हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में कनेक्शन क्या है इनको हटा देता हूँ। फाइनली आपके पास ये तीन अप्रोच है। ठीक है, पहले कह रहे कि पहली कंडीशन जब मैंने अप्लाई की तो एरिया ये हुआ, तो ये एरिया पहले वाले एरिया से 9 यूनिट कम है, बस इस बात को समझो। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है एरिया किससे, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था इसके मुकाबले कम हो जाता है। कितना, 9 यूनिट कम हो जाता है। कब, यदि हमने ऐसे एरिया निकाला हो, ऐसी कंडीशन अप्लाई की हो, तो भाई आप समझ जाओ ना कि a माइनस a1 9, यही तो मतलब हुआ। इसके मुकाबले ये 9 यूनिट कम है, इसके मुकाबले ये 9 यूनिट कम है, इट मींस ओरिजिनल एरिया में से यदि न्यू एरिया माइनस करूं तो 9 बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। ये कितना था बेटा एक्स वाई, और ये कितना, माइनस करने पे सबके साइन माइनस यानी कि चेंज हो जाएंगे, तो एक्स वाई माइनस ये तो कट जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, 3x कैसा माइनस का प्लस के 5y और प्लस 15 इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बनाने तक की बात थी, आगे तो सोल्व मुझे से नहीं कराना, आप करेंगे सोल्व। और क्या बोल रहा है, एरिया इंक्रीज हो जाता है। इस ओरिजिनल से ही बात करेंगे, कब हो जाता है कि भाई यदि मैंने लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया बाय 3 यूनिट, 3 यूनिट जो भी इस कंडीशन में यहां पर अप्लाई किया था, तो इट मींस ये जो ए2 एरिया है ये ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट ज्यादा है। मतलब हुआ कि ए2 में से यदि a माइनस कर दे तो 67 बचेगा। अच्छा, ए2 तो बेटा यही है, और a की वैल्यू कितनी थी, माइनस एक्स वाई कर दे तो क्या बचने वाला है, क्या बचने वाला है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा एक्स वाई तो चला जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 67। सब चीजें निकाल दीजिएगा, सब चीजें बाकी ठीक। तो एक तो जो कंडीशन क्वेश्चन हमने यहाँ से शुरू किया ये है मेन बात, जिनको मैंने डबल मार्क किया है ये मेन बात है, ये समझ में आएगी नहीं है, फिर इक्वेशन 1 और 2 को आप सोल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा।